नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है टेक विद तिवारी जी। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपके जो कमेंट है, जो क्वेश्चन है, उस पर एक वीडियो बनेगा, तो ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं लेता हूँ वो है अभिषेक पीबी का। इसमें इन्होंने पूछा है कि डॉल्बी एटमोस ग्राफिक नॉट प्लेइंग व्हेन सॉन्ग्स प्लेइंग, मतलब इनमें जो ग्राफिक्स जो होता है वो प्ले नहीं हो रहा जबकि जो गाना बजता है उसके साथ। तो मैं एक इसके लिए बात इनको बताना चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या है, जो डॉल्बी एटमोसफेयर साउंड है उसके लिए है, या जो इक्वलाइजर होता है या जो ग्राफिक्स जो होता है उसके लिए है। अगर डॉल्बी एटमॉस साउंड के लिए है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या होता है। मेरे मोबाइल के साथ भी होता है कि मोबाइल जब जब फिलअप हो जाता है, मतलब एक्सट्रीम लेवल यानी 32 GB जो है इसका इंटरनल है, इसके अलावा जो एक्सटर्नल है वो फिलअप हो गया है, उसमें कोई मेमोरी एक्स्ट्रा बचा हुआ नहीं है, तो ये काम करना बंद कर देता है। क्योंकि एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए बहुत सारे मेमोरी, जो खाली मेमोरी है उसको जरूरत पड़ती है, जो अगर ये नहीं मिलता है तो ये काम करना बंद हो जाता है। तो आप अपने मोबाइल को या तो थोड़े से खाली रखें या तो अपने मोबाइल को एक बार रिसेट कर ले। तो ये आपका जो अगर उस डॉल्बी का जो साउंड के बारे में अगर ये आपका क्वेश्चन है तो ये काम करने लगेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ अभिषेक आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे पाया। उसके बाद मैं देता हूँ भूषण पंडित का एक क्वेश्चन है जिसका, और ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनका ही एक नाम लेके मैं बहुत सारे ये क्वेश्चन पे जो सारे जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर कर देता हूँ। बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है मेरा, क्या करे, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको इसके लिए एकदम क्लियर कर दो चीज मैं समझाता हूँ। अगर आपका दो चीज के चलते अगर आपका बैटरी ड्रेन हो रहा है तो आपका मोबाइल ठीक है, अगर ये दो चीज के अलावा बैटरी ड्रेन हो रहा है तो समझ लीजिए आपके मोबाइल में या आपके सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए या आपके बैटरी में कुछ इश्यू है जो कि आपको सर्विस सेंटर में ठीक कराना होगा। ठीक है, अगर मैं बताता हूँ दो प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम है जो थर्ड पार्टी ऐप अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो ये क्या करता है, ये बैटरी ज़्यादा यूज़ करता है, कंज्यूम करता है ज़्यादा बैटरी, तो क्या होता है आपका जो बैटरी है वह जल्दी ड्रेन होगा। इसके अलावा अगर आपके जो एरिया है वहाँ पर नेटवर्क का जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, लाइक जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो उस हिसाब से, तो आपका बैटरी जो ड्रेन है वो होगा। इसके अलावा आपका जो बैटरी है ड्रेन हो रहा है, ये दो ऑप्शन आपके जो मैंने प्रॉब्लम बताया नहीं है, तो आपका एक इशू है, आप अपडेट के लिए वेट कर सकते हैं या तो आपने एक नजदीकी जो सर्विस सेंटर है वहां जाके आप बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो भूषण पंडित के अलावा जो भी इस क्वेश्चन को किए थे उनका ये आंसर है, कृपया आप इसको सुन लें। फ्लाई ओवर का भी सेम क्वेश्चन था बैटरी बैटरी ड्रेन के बारे में, तो जिसका आंसर मैंने दे दिया तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सौरभ बनर्जी। सौरभ बनर्जी ने क्वेश्चन किया है कि ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट अपने आप बढ़ जाता है और कम हो जाता है, ये प्रॉब्लम बोल रहे हैं अभी तक ठीक नहीं हुआ। लेकिन सौरभ मैं बताना चाहूंगा, ये हम लोग का जो दिसंबर का जो अपडेट आया था, मतलब इसके पहले वाला जो अपडेट, उसी में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। देखिए कहीं कहीं कुछ कुछ होता है जो कि अगर आपको समझ में आ रहा देट मीन्स कि वो प्रॉब्लम है और अपडेट के माध्यम से ठीक हो गया। अगर आपका मोबाइल में अभी भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर से जल्दी से अपने नजदीकी जो सर्विस सेंटर है वहां पहुंचे, क्योंकि आपका मोबाइल अभी वारंटी में है, 1 साल हो जाने के बाद वारंटी खत्म हो जाएगा तो फिर आप दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पैसा लगेगा। तो आप, मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका जो ब्राइटनेस और या स्क्रीन बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है स्क्रीन के अंदर लाइट का, तो आप जरूर से जल्दी से जाके जल्दी से आप अपने जो नजदीकी सर्विस सेंटर है वहां पर जाए। इसके बाद मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ मोनू राज का है। ये पूछते हैं कि एलईडी नोटिफिकेशन आ गया आया कि नहीं। तो मोनू राज, आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो पहला अपडेट आया था उसके बाद ही जो आया था अपडेट, उसमें ही आपको पूरा ये वाला जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। इसमें आपको 4-5 चीजों का नोटिफिकेशन मिल जाता है, जैसे मिस कॉल, बैटरी, कोई नया मैसेज या कुछ आया तो सबका मिल जाता है, लेकिन ये आपको कलर नहीं होता है, मतलब एक ही स्टील कलर है, जैसे सिल्वर कलर आएगी जो भी एक लाइट का कलर है, ये कलरिंग नहीं होती है। ठीक है, आप कलर नहीं चेंज कर सकते हैं इसका, एलईडी लाइट का। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन लेते हैं भूषण पंडित फिर से पूछते हैं। भूषण पंडित का क्वेश्चन है आपके फोन के बैटरी के कितने देर रहते हैं। तो मैं बैटरी का आंसर दे दिया हूँ, बट मेरे अगर मोबाइल की बैटरी की बात करते हैं तो मेरा मोबाइल मतलब मैं डेली चार्ज करता हूँ, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आके रात में मैं फुल चार्ज करता हूँ, तो मैं ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बता सकता हूँ 6 से 7 घंटा मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिल ही जाता है, और अगर मैं नॉर्मल यूज करूँ तो 1.5 से 2 दिन जाता है। अभी भी मेरा बैटरी मेरे मोबाइल में अभी बैटरी का जो इशू नहीं है।
एम उपाध्याय लिखते हैं, सुपर, थैंक यू उसके लिए ऐसे अच्छे कमेंट्स के लिए। और राकेश, राकेश लेनिन लिखते हैं, बैटरी इश्यू नॉट सॉल्व, सेम क्वेश्चन है राकेश का, आप प्लीज आप देख ले पूरा वीडियो। मदन कुमार लिखते हैं कि अलार्म वॉइस सेट कैसे करेंगे, वॉइस से अलार्म सेट कैसे करेंगे, इनका क्वेश्चन ये है। तो मैं इनके लिए एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दे दे रहा हूँ, पर मैं बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपने जो मोबाइल है आपका उसमें अपडेट किया है, उसके बाद पहला जब अलार्म का ऑप्शन खोलते हैं तो वहां पे एक नीचे में पॉपअप आता है कि आप ट्राई कीजिए वॉइस अलार्म सेट, उसको आप एक्टिव करेंगे तो आपका ये ऐसे भी एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो आप गूगल असिस्टेंट को बोलेंगे सेट अलार्म, तो वहां से वो ठीक वो मेनू पर लेके चल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, और इसमें क्या है आपको मैं बता देता हूँ कि अब आप बोलेंगे कि सेट अलार्म फॉर टुमारो 5 PM, तो ये अलार्म सेट हो जाएगा। इस तरह इसका मतलब है कि आप मुंह से बोलेंगे और वो अलार्म सेट हो जाएगा, ठीक है, जब का भी आप लगाना चाहते हैं। प्रोतिम दास का भी ये सेम क्वेश्चन है, अलार्म मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अलार्म मैनेजमेंट सेम मैंने बताया, आप आराम से कर सकते हैं, वॉइस के थ्रू कर सकते हैं या मैनुअल कर सकते हैं। प्रोतिम का सेकंड एक और क्वेश्चन है कि इस पर वीडियो बना दे, इसका वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है प्रोतिम, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, आपको मैं डिटेल बता दे रहा हूँ कि आप अपने गूगल असिस्टेंट को बोलेंगे सेट अलार्म, तो वो आपको वो मेन्यू पे ले जाएगा, मेन्यू पे आप टाइम बताएंगे, टाइम आप सेट कर देगा कब का करना है, या बोलेंगे सिर्फ बोलना है मुंह से, इंग्लिश में बोलना है बस, ठीक है। इसको इतना बड़ा मतलब वीडियो नहीं बना सकते इस पर। सॉन फर्स्ट लिखा है, फॉरेस्ट फ्रॉस्ट लिखा, माफ कीजिएगा नाम में अगर कुछ गलती हो जाए मेरा तो। या मैन, आई लाइक योर वीडियो, थैंक यू सॉन, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा अच्छे वीडियो के लिए। रुबाई दास बोलते हैं कि ओरियो में क्या क्या इम्प्रूव और चेंज होगा। देखिए रुबाई, मैं बता रहा हूँ अभी तो ओरियो में बहुत कुछ चेंज होने का बात होना चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम से आप अपग्रेड सिस्टम पर जा रहे हैं। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत कुछ है, PIP बोल के एक ऑप्शन आता है, स्प्लिट मोड जो अभी भी आपके मोबाइल में वो भी एक मिलता है, कैमरा का नया ऐप मिलेगा, तो इस तरह बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है, जो आपका ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है वो इम्प्रूव होकर आएगा और एक दो फीचर एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे PIP है, फोटो इन फोटो, ऐसा करके बहुत कुछ है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे, अगर आप मुझे कमेंट आएगा, बहुत सारे कमेंट करेंगे कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए, तो जरूर उसमें बता दूंगा। अमन अग्रवाल लिखते हैं कि सर मल्टीटास्किंग कैसे होगा लिनोवो K8 में। सर अमन, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि आप एक साथ, अगर आप गाना सुन रहे हो उसके साथ आप चैट कर रहे हैं, उसके साथ एक वीडियो देख रहे हैं, ये हुआ एक मल्टीटास्किंग, मतलब एट ए टाइम आप एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, ये होता है मल्टीटास्किंग। और जो कि आपको, मुझे जैसा लगता है कि सारे जो स्मार्टफोन यूजर है तो एक साथ ये मल्टीटास्किंग करते हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जैसे आप एक साथ गेम खेल रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, ये हुआ मल्टीटास्किंग। ठीक है, सेम आप चैट कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं या गाना सुन रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग, इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। और लिनोवो K8 में अगर आप एक से ज्यादा काम कर रहे हैं एक साथ, तो ये मल्टीटास्किंग होता है और आप करते ही होंगे। किमु दिन लिखते हैं कि लिनोवो K8 Plus का ओरियो अपडेट कब मिलेगा ब्रदर। ब्रदर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ये लेट लेट जून तक आने के चांस है इसमें, उसके पहले तो मुझे जरा सा भी आशा नहीं है इनका, इसके बाद का अपडेट का भी मुझे वही आशा है। राहुल शर्मा लिखते हैं कि मैंने नया लिनोवो K8 Plus लिया है, मुझे अपडेट करना चाहिए या क्या, अपडेट करने के बाद बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए, नया मोबाइल आपने लिए, अगर उसके बाद अपडेट आता है, इसका मतलब आपके मोबाइल में ऑलरेडी कुछ बग्स थे, उसको फिक्स करने के लिए कोई प्रॉब्लम का जो अपडेट सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम अपडेट करने के बाद नहीं होता है, प्रॉब्लम जो बच जाता है उसको सॉल्व करने के लिए वेट करना पड़ता है नेक्स्ट अपडेट का, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए अपडेट दिया जाता है। ठीक है, तो राहुल आप अपडेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, जवाहरलाल चौधरी लिखते हैं कि ऐप अपडेट आया है, क्या करें, क्या फायदा होगा। देखिए ऐप, अगर आप मुझसे ऐप अपडेट के बारे में मैं पकड़ता हूँ एग्जैक्ट, तो लाइक आपका, जैसे आपके पास एक गूगल प्ले का ऐप इंस्टॉल है अंदर में आपके मोबाइल में, उसका अपडेट आया है, इसका मतलब ये होता है कि उसका एक लेटेस्ट वर्जन आ गया है, उसको अपडेट कीजिए, जो उसमें बग्स थे उसको फिक्स किया गया है। अगर आप ऐप अपडेट के अलावा अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करते हैं, तो वो आ चुका है, उसको अपडेट कर ले, कुछ कुछ प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गई है। ठीक है, तो जवाहर, शायद मैंने आपका क्वेश्चन के अंदर आंसर दे पाया, अगर आपको और कुछ क्वेश्चन तो जरूर से मुझे बताइएगा। रविंदर कुमार लिखते हैं कि बिल्कुल सही जानकारी दी आपने, धन्यवाद इसके लिए। और इसके अलावा उनका क्वेश्चन ये है, येलो पिक प्रॉब्लम कब फिक्स होगी।
रविंदर कुमार, मैं जनरली एकदम फैक्ट बात बताता हूँ कि ये फिक्स नहीं हो सकती है। रीजन इसका बता रहा है कि क्योंकि आप क्या करते हैं कि जब अंधेरे में आप इसको फोटो लेते हैं तो आप अपने एलईडी यानी अपने जो फ्लास है उसको यूज करते हैं, और फ्लास में आपका येलो लाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपकी किसी भी जगह पर येलो लाइट है तो उसको व्हाइट नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको कम किया जा सकता है। आप अपने मोबाइल के प्रो मोड में व्हाइट बैलेंस को आप एडजस्ट करके चेक करें, देखिए 100% ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो रविंद्र कुमार, आशा करता हूँ आपका आंसर दे पाया मैं। इसके अलावा मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। मनीष नमेंदो लिखते हैं, लिनोवो के 8 प्लस में वोल्टी सब दिखाई देगा। मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, लेकिन ये एलटी मोबाइल है तो आपको जो भी प्रॉब्लम है कॉल आप कर सकते हैं डायरेक्ट। आप इसमें वीडियो आराम से देख सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन को फिर से लिखना चाहेंगे तो फिर से लिखेंगे, मैं उसको आंसर दे दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा अरूप परामानिक का क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, थैंक यू अरूप परामानिक। इस तरह बहुत सारे अप्रिशिएशन मेल कमेंट्स आए हैं, उनके लिए धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे बनाए रखे, और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। बाय बाय।